जदयू से रिजाइन दे दिया आप? 18 को दीजिएगा और 18 को जदयू से रिजाइनेशन दीजिएगा, प्राथमिक सदस्यता, और उसके बाद में क्या कीजिएगा? 19 को नॉमिनेशन करेंगे, 19 को नॉमिनेशन कीजिएगा लोकसभा के, उजियारपुर लोकसभा, 19 को समस्तीपुर में आपका नॉमिनेशन है, और संजीव का भी नॉमिनेशन, आप जदयू के विधायक रहे हैं और MLC भी रहे हैं और रिजाइन देकर, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलिए, बीजेपी के विधायक रहे, जदयू के MLC रहे, 94 से नीतीश कुमार के साथ रहे जी, सदस्यता तक त्याग कर दिया जी, आज लौंडा छोंडी को आप टिकट बांटे चल रहे हैं, आप 9 बार पलटा मारे, हम तो अभी पहले बार पलटा मार रहे हैं जी, आप तो 9 बार पलटा मार गए, आपका कहिएगा सत्ताला सबको कर्म कर रहा है जी, हम उनको 18 को बजाता प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन करेंगे, उन पर जो मन में आरोप है तो लगा देंगे, तब 19 को नॉमिनेशन करेंगे, बर्ताबा व्यक्ति करेंगे कि 18 को जदयू से रिजाइन, 19 सदस्यता से मैं भी, मेरा बेटा संजीव भी रिजाइन करेगा और 19 को नॉमिनेशन। यह है आपको जदयू नेता जो बता रहे हैं कि 18 अप्रैल को जदयू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे और 19 को उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के कैंडिडेट बनेंगे, निर्दलीय कैंडिडेट बनेंगे।